वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर अपने ज़माने के भारतीय क्रिकेटर, राजनेता और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू पाजी के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनका जो क्रिकेट का करियर ग्राफ रहा, राजनीति का रहा, उन सब के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय से। दोस्तों, उनका नाम है पूरा सिक्सर सिद्धू शेरी पाजी और सिद्धू पाजी, जो भारतीय क्रिकेटर, राजनेता और कमेंटेटर हैं। दोस्तों, ये राजनीति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस NINC 18 साल 2021 से हैं और भारतीय जनता पार्टी 2004 से 2016 तक रहा इनका। और राजनीतिक यात्रा की अगर बात की जाए तो वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर के से BJP टिकट पर जीत हासिल की और वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में अमृतसर से कांग्रेस के ओम प्रकाश सोनी को 65-58 मतों से हराकर जीत हासिल की। 28 अप्रैल 2016 को उन्होंने राज्यसभा सदस्य नियुक्त किया गया और 18 जुलाई 2016 को उन्होंने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया और वर्ष 2016 में उन्होंने प्रगट सिंह और बैंस भाइयों के साथ मिलकर एक नया राजनीतिक मोर्चा आवाज़ पंजाब बनाया। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने जनवरी 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और वर्ष 2017 में पंजाब विधानसभा से चुनाव जीतकर स्थानीय निकाय मंत्री बने और अमरिंदर सिंह की सरकार में उन्हें ऊर्जा मंत्रालय और नवीन ऊर्जा स्रोत आवंटित किया गया था। वर्ष 4 जुलाई 2019 को उन्होंने पंजाब कैबिनेट से अपने इस्तीफे के प्रति दिनांक 10 जून 2019 को राहुल गांधी को संबोधित करते हुए ट्वीट किया था। 18 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें पंजाब कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया और 18 सितंबर 2021 को उन्होंने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, इनके क्रिकेट करियर की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू उन्होंने किया था 12 नवंबर 1983 बनाम वेस्टइंडीज अहमदाबाद में और वनडे 9 अक्टूबर 1987 बनाम ऑस्ट्रेलिया चेन्नई में। और डोमेस्टिक स्टेट टीम है इनकी पंजाब। और रिकॉर्ड्स की बात की जाए तो वर्ष 1993 में ग्वालियर में इंग्लैंड के खिलाफ उनका सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर 134 था और उन्होंने 1993 से 1994 और 1997 में तीन बार एक ही साल में 500 टेस्ट रन बनाने का अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वो एक दिवसीय मैचों में 5 शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने और वर्ष 1996 से 97 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 11 घंटे क्रीज पर बिताकर 201 रन बनाए। दोस्तों, करियर टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने 1987 में विश्व कप क्रिकेट के लिए चुना गया था उनको। और इनकी व्यक्तिगत जीवन अगर जानेंगे दोस्तों तो इनकी जन्मतिथि 20 अक्टूबर 1963 को, जन्म स्थान है पटियाला पंजाब और इनका जो गृहनगर है वो पटियाला पंजाब हुआ इंडियन, और राष्ट्रीयता इनकी इंडियन है। और इनकी अगर स्कूल और कॉलेज की बात की जाए तो यादवेंद्र कौर पब्लिक स्कूल पटियाला से इन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने मोहिंद्रा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया। और शैक्षणिक योग्यता इनकी है BA LLB और ये सिख जाट हैं। और इनके दोस्तों कुछ विवाद भी रहे हैं क्योंकि सक्सेस इंसान के पीछे कुछ वाद और विवाद होते हैं। तो वर्ष 1988 में उनके साथ एक रोड रेस की घटना हुई जिसके लिए उन्होंने 2006 में दोषी ठहराया गया, लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील करने के बाद उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया। स्टार इंडिया ने उन पर सेट मैक्स के इंडियन प्रीमियर लीग 2014 के लिए एक कमेंटेटर के रूप में काम करके एक अनुबंध समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन AISSF ने उनके खिलाफ अकाल तख्त को गुरबानी के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की शिकायत दर्ज कराई। 18 अगस्त 2018 को वो इस्लामाबाद में ऐवान सदर राष्ट्रपति भवन में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों में से थे, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को गले लगाया, जिसके लिए भारत में उनकी आलोचना हुई। और 19 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 में हुई एक रोड रेस की घटना में 1 साल की कठोर कारावास सजा सुनाई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इससे पहले
वर्ष 2018 में इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 1,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया था। कथित तौर पर 27 दिसंबर 1988 को सिद्धू की पटियाला निवासी गुरनाम सिंह नामक एक व्यक्ति के साथ बहस हुई, जिसके बाद वो एक पार्किंग स्थल पर सिद्धू और उसके करीबी दोस्त रुपिंदर सिंह संधू ने गुरनाम को अपनी कार से खींच लिया और उसे मारा और बाद में गुरनाम की अस्पताल में मौत हो गई। तो दोस्तों, ये रही उनके कुछ वाद और विवाद। शौक और अभिरुचि की बात की जाए तो इंटरनेट पर सर्फिंग और नई चीज़ें सीखना, और उनकी स्थिति भी विवाहित है और उनकी पत्नी का नाम है नवजोत कौर सिद्धू, जो कि डॉक्टर और राजनीतिज्ञ हैं। उनके बच्चे की बात की जाए तो उनके 2 बच्चे हैं, बेटा का नाम है करण सिद्धू और बेटी का नाम है राबिया सिद्धू। इनके पिताजी का नाम स्वर्गीय सरदार भगवंत सिंह, जो कि क्रिकेटर रह चुके हैं, और माता का नाम है स्वर्गीय निर्मल सिद्धू, और बहन है इनकी सुमन तूर, और इनकी एक और बहन है नीलाम महाजनी, जिनकी डेथ हो गई है। दोस्तों, इनके पसंदीदा क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, पसंदीदा भोजन इनके छोले भटूरे, और अमिताभ बच्चन को ये लाइक करते हैं। कंगना रनौत और माधुरी दीक्षित इनकी पसंदीदा एक्ट्रेस हैं। कार संग्रह की बात की जाए तो टोयोटा लैंड क्रूजर, टोयोटा फॉर्चुनर, मिनी कूपर इनके पास है, और ये बहुत ही अच्छे और हंसाने वाले इंसान हैं। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू एक भारतीय राजनेता, पूर्व क्रिकेटर, टीवी प्रेजेंटर और कमेंटेटर हैं, जिन्हें सिक्सर सिद्धू, शेडी पाजी और सिद्धू पाजी के उपनामों से भी जाना जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू का जन्म पंजाब के पटियाला के एक जाट सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय सरदार भगवत सिंह भारत के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, जिसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू का बचपन से ही क्रिकेट की ओर रुझान था। अपने पिता की तरह ही वो भी क्रिकेटर बनना चाहते थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए एक ट्रायल दिया और टीम में चयनित हो गए। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यादवेंद्र पब्लिक स्कूल पंजाब के पटियाला से की। इसके बाद उन्होंने मोहिंद्रा कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में दाखिला लिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने 1983 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से डेब्यू किया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक टेस्ट क्रिकेट मैच में 19 रन बनाने में वो सफल रहे। केवल 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। 4 साल बाद उन्होंने 1987 में क्रिकेट विश्व कप में अपना एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रन बनाए। इसके बाद उसी विश्व कप में उन्होंने लगातार 5 अर्धशतक भी बनाए। उन्होंने अपना पहला वनडे शतक 1989 में शारजा में पाकिस्तान के खिलाफ लगाया था, और 1993 में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना सर्वोच्च एक दिवसीय स्कोर 134 रन बनाए। नवजोत सिंह सिद्धू 1996 में इंग्लैंड दौरे से बाहर हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन अक्सर उन्हें गालियां देते रहते हैं। 50 से अधिक टेस्ट मैचों और 100 से अधिक एक दिवसीय मैचों में खेलने के दौरान अपने 18 साल के करियर में उन्होंने 7,000 से भी अधिक रन बनाने के बाद दोस्तों नवजोत सिंह सिद्धू ने दिसंबर 1999 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। और दिसंबर 1999 में क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया। इसके साथ ही उन्होंने ABCD 2 और मुझसे शादी करोगे और मेरा पिंड जैसी फिल्मों में भी भूमिका निभाई, और 2001 में उन्होंने खेल कार्यक्रम ताकेशी का महल के लिए एक कमेंटेटर के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने क्रिकेट के लिए कमेंट्री करना भी शुरू किया। नवजोत सिंह सिद्धू 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अमृतसर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय आम चुनाव लड़े और 2014 तक इस सीट पर काबिज रहे, और इसके बाद उसी वर्ष उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वर्ष 2012 में नवजोत सिंह सिद्धू टीवी सीरियल शो बिग बॉस में सीजन 6 के लिए एक लोकप्रिय प्रतियोगी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने अपनी राजनीति प्रतिबद्धताओं के कारण शो को जल्दी ही छोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो 15 जनवरी 2017 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में शामिल हो गए। वर्ष 2019 में पंजाब राज्य सरकार ने उन्हें पर्यटन, सांस्कृतिक मामलों और संग्रहालय के मंत्री के रूप में भी नियुक्त किया। नवजोत सिंह सिद्धू कॉमेडी नाइट्स विद द कपिल और द कपिल शर्मा शो जैसे कॉमेडी शो को जज करने और स्थायी अतिथि के रूप में जाने जाते हैं। 18 जुलाई 2021 को नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 28 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से भी
इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों इस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में अमृतसर ईस्ट सीट से पंजाब कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कन्वर्टशील नेता नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी भी की उम्मीदवार जीवनजोत कौर से चुनाव में हार गए। तो ये उनकी लेविस और लग्जरियस लाइफ की कहानी है और मैंने बहुत सारे फोटो शेयर किए हैं, तो आप अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा ज़रूर। तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।